हेलो फ्रेंड्स, सबको मेरा नमस्कार। और आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि ये वीडियो आपकी डाइट से रिलेटेड है। और किडनी फेल हो जाने के बाद या किडनी में इन्फेक्शन लगने के बाद एक किडनी रोगी को खाने पीने की बहुत सारी समस्याएं होने लग जाती हैं। उसको ये समझ में नहीं आता है कि वो क्या खाए और क्या छोड़े। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी सब्जियाँ बताऊँगा जिनका आप लुत्फ़ ले सकते हैं, उनको आप सब्जी बना करके खा सकते हैं और ये खाने में बेहद ही स्वादिष्ट होती हैं। और साथ में इनमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं और बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो आपकी बहुत हेल्प करते हैं और आपकी सेहत में इनसे धीरे धीरे सुधार आने लग जाता है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड वीडियो को शेयर जरूर करें। अगर आपको कोई भी परेशानी है, आपको कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे आप मुझसे डायरेक्ट चैट कर सकते हैं। किडनी में इन्फेक्शन लग जाने के बाद जो एक किडनी रोगी होता है उसके सामने खाने पीने की बहुत सारी परेशानियाँ खड़ी हो जाती हैं। उसको डाइट कॉन्शियस हो जाना पड़ता है, तभी उसकी जो किडनी में लगा इन्फेक्शन है वो क्योर हो सकता है। क्योंकि खाने पीने का असर हमारी पूरे बॉडी पे पड़ता है और हमारे सभी ऑर्गन्स पे पड़ता है। तो बिल्कुल सही डाइट का लेना और सभी सब्जियां, सभी फलों के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि आपको क्या फ़ायदा करेगा और क्या नुकसान करेगा। तो यही आपकी जो प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन मैं आज लेकर के आया हूँ। और मैं आपको ऐसी सब्जियां बताऊँगा जिनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं और आप उनका सालन बना के लुत्फ़ ले सकते हैं और भरपेट खाना खा सकते हैं। दूसरा, ये सब्जियां आपको नुकसान भी नहीं करेंगी। तीसरा, ये आपको फ़ायदा ही फ़ायदा पहुंचाएंगी। तो आज हम जानेंगे कुछ अच्छी सब्जियों के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ। देखिए, पोटेशियम और फास्फोरस हर एक सब्जी में होता है, हर एक फल में होता है, हर मांस में होता है, चाहे आप मटन खा लें, चाहे फिश खा लें, चाहे आप चिकन खा लें, इन सब में पोटेशियम फास्फोरस सब में पाया जाता है। बस होता क्या है कि किसी में थोड़ा ज़्यादा होता है, किसी में थोड़ा कम होता है। आज मैं आपको जो भी वेजिटेबल्स बताऊँगा उनके अंदर भी पोटेशियम और फास्फोरस होगा, तो मैं उनका तरीका भी आपको बताऊँगा कि आप उसको कैसे खा सकते हैं जिससे आपको वो नुकसान ना करे। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे ब्रोकली से। फ्रेंड, ब्रोकली जो होती है वो हरे रंग की गोभी की तरह होती है, एक तरीके के वो गोभी ही होती है। वो खाली जो हमारी इंडियन होती है वो वाइट होती है और ये बाहर की गोभी होती है, ये ग्रीन कलर की होती है। ग्रीन कलर की होने की वजह से इसके अंदर पोषक तत्वों की भरमार होती है। अंदर बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो आपकी बॉडी और आपके स्टोमक के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ब्रोकली के अंदर हाई फाइबर होता है। दूसरा, ब्रोकली में प्रोटीन भी होता है। ब्रोकली आपकी आंतों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि ये आपके आंतों को खुश्क नहीं करता है और आराम से डाइजेस्ट हो जाती है, तो आप ब्रोकली खा सकते हैं। अब बहुत से लोग ये बोलेंगे कि सर ब्रोकली में पोटेशियम और फास्फोरस होता है। तो देखिए सर, आप कोई भी सब्जी खाएंगे, आप कुछ भी खाएंगे, सब में फास्फोरस और सब में पोटेशियम होगा ही होगा। ऐसा कोई भी फल नहीं है, ऐसी कोई भी सब्जी नहीं है और ऐसा कोई भी मांस नहीं है जिसमें पोटेशियम और फास्फोरस ना हो। खाली आपको खाने का तरीका पता होना चाहिए और एक लिमिट होनी चाहिए खाने की। तो अगर आप 100 ग्राम ब्रोकली खाते हैं तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। ब्रोकली खाने का तरीका यह है कि ब्रोकली को जब आप पकाते हैं तो उसमें से पोटेशियम और फास्फोरस की मात्रा अपने आप घट ली जाती है, कम हो जाती है। तो ऐसे करके आप ब्रोकली का सालन बना सकते हैं। ब्रोकली का सालन आप मटर डाल के बना सकते हैं या आप उसको ऐसे ही हल्का शैलो फ्राई करके, हल्के से ऑयल में शैलो फ्राई करके और उसमें काली मिर्च डाल करके, जीरा डाल करके, थोड़ा सा अजवाइन डाल करके और जो भी आप मसाला यूज़ करते हैं, धनिया पाउडर वगैरह यूज़ करते हैं, वो सब डाल के आप बना सकते हैं और चपाती के साथ खा सकते हैं। इससे आपका पेट भी भरेगा, दूसरा आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे। अब दूसरी सब्जी की बात कर लेते हैं। तो जो हमारी दूसरी सब्जी है वो है मशरूम। तो फ्रेंड, मशरूम के बारे में मैं आपको ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर से बता देता हूँ। जो मशरूम होता है वो एक सुपर फूड की तरह होता है क्योंकि मशरूम के अंदर सारे के सारे विटामिन, सारे मिनरल्स और सब कुछ उसमें मिलता है आपको, विद पोटेशियम, विद फास्फोरस भी। मैंने आपको बताया था कि मशरूम आपको खाना कैसे है, मैं फिर से आपको बता देता हूँ। आप जब मशरूम को पकाते हैं तो मशरूम में से पोटेशियम और फास्फोरस और भी जो उसके पोषक तत्व होते हैं उनकी कमी हो जाती है। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। आप 50 ग्राम मशरूम ले सकते हैं और उसमें मटर और हल्के से मटर और उसमें ब्रोकली मिला करके या मशरूम मिला करके आप एक हेल्दी सब्जी बना करके खा सकते हैं रोटी के साथ। अब बात कर लेते हैं हमारी तीसरे वेजिटेबल के बारे में। तो फ्रेंड, हमारा तीसरा वेजिटेबल रहेगा वो है बैंगन।
तो फ्रेंड बैंगन जो होता है बहुत अच्छा होता है, खास तौर पे ये आपकी कब्ज को खत्म कर देता है। अब बहुत से लोग ये बोलेंगे कि सर जो बैंगन होता है वो हमको बाधी करता है, बैंगन से गैस बनती है। बैंगन जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होता है, उसमें ऊर्जा का भंडार होता है। तो अगर आप बैंगन खाएंगे और आप लेटे रहेंगे और आप चलेंगे फिरेंगे नहीं तो जाहिर सी बात है वो पचेगा नहीं और आपको गैस बनेगी ही बनेगी, जाहिर सी बात है। तो जब भी आप बैंगन खाते हैं तो बैंगन के साथ आपको चलना फिरना है, थोड़ा मोड़ा एक्सरसाइज भी हल्की फुल्की कर लेनी है, इधर उधर टहल लेना है, तो ऐसे करके आपका बैंगन भी पच जाएगा और साथ में बैंगन आपकी आंतों के लिए, आपके पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। इससे आपकी कितनी भी पुरानी कब्ज क्यों ना हो एकदम जड़ से ख़त्म हो जाएगी, बिल्कुल साफ। मेरा पेट आज बहुत अच्छा है, बहुत हल्का है। जब आपका पेट हल्का और साफ रहेगा तो आप खुद सोचिए आपका क्रिएटिनिन यूरिया अपने आप कम होने लगेगा।